नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र शुक्ला और आप देख रहे हैं डिजिटल एडवाइस। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है CCC ऑनलाइन क्लास का। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाइए। जो लोग जुड़ चुके हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। शेयर जरूर करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या हो सके, वीडियो पहुंच सके। क्लियर है। क्लास टाइमिंग्स की बात करें तो रोज रात 8 बजे CCC ऑनलाइन क्लास होती है, रोज रात 9 बजे CCC ऑनलाइन टेस्ट होता है। अभी कुछ दिनों से 8 बजे वाली क्लास नहीं हो पा रही है, कुछ इश्यूज है, प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है। तो बहुत जल्दी ही आपको 8 बजे वाली क्लास फिर से क्या होने लगेगी, मिलने लगेगी। क्लियर है। और प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट, व्हाट्सएप और ईमेल कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको CCC से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा, सर्टिफिकेट, एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड, जो भी अपडेट आएगा वो आपको मिलता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ऑनलाइन टेस्ट और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ईमेल को बिना पढ़े डिलीट नहीं कर सकते हैं। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 5 सेकेंड्स है आपके पास, कोशिश करिएगा सही आंसर बताने की। आप चैट या कमेंट में आंसर दे सकते हैं। क्लियर है। आप चैट या कमेंट में क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। क्लियर है। कुछ लोगों का राइट आंसर आ भी गया है, गुड। और राइट आंसर होगा फॉल्स। क्लियर है। हमने ईमेल को पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन हम ईमेल को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। क्लियर है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। वाइंडेक्स क्या है? एक ब्राउजर, बी ऑप्शन वेबसाइट, सी ऑप्शन सर्वर, डी ऑप्शन सर्च इंजन। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 5 सेकेंड से आपके पास, कमेंट या चैट में आंसर बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट या चैट में क्या कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। और आपका समय हुआ अप। तो राइट आंसर क्या होगा, डी सर्च इंजन। याद रखिएगा वाइंडेक्स क्या है, एक सर्च इंजन है। जैसे गूगल, याहू, बिंग क्या है, सर्च इंजन है, वैसे वाइंडेक्स भी क्या है, एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। OLX कैसी वेबसाइट है? ए ऑप्शन B2C, सी ऑप्शन C2C, बी ऑप्शन C2C, सी ऑप्शन G2C, डी ऑप्शन B2B। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आपके, अक्टूबर में भी आया था और सितंबर में भी आया था। तो जी हां, इसका राइट आंसर होगा। 5 सेकेंड्स है आपके पास, कमेंट या चैट में आंसर बता सकते हैं। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा C2C, कस्टमर टू कस्टमर। क्लियर है। OLX कैसी साइट है, कस्टमर टू कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। योनो किस बैंक का ऐप है या साइट है? ए ऑप्शन HDFC, बी ऑप्शन ICICI, सी ऑप्शन SBI, डी ऑप्शन Axis। तो बताइएगा योनो किस बैंक से रिलेटेड है। 5 सेकेंड्स हैं आपके पास, कोशिश करिएगा सही आंसर बताने की। कमेंट या चैट में आंसर कर सकते हैं। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा, टाइम आपका अप हो चुका है, SBI। याद रखिएगा योनो किससे रिलेटेड है, SBI। क्लियर है। इसका ऐप भी आता है और इसकी वेबसाइट भी है। क्लियर है। तो योनो किससे रिलेटेड है, SBI से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इंप्रेस में किसी स्लाइड का टाइम सेट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ए ऑप्शन रिहर्स टाइम, बी ऑप्शन कस्टम टाइम, सी ऑप्शन स्लाइड टाइम, डी ऑप्शन नन ऑफ द एबव। तो बताइएगा किसका प्रयोग करते हैं इंप्रेस पर स्लाइड का टाइम सेट करने के लिए। क्या होगा सही आंसर, बताइएगा। कोशिश करिएगा सही आंसर बताने की। तो जी हां, इसका जो राइट आंसर होगा, जी इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, रिहर्स टाइमिंग। क्लियर है। ए ऑप्शन रिहर्स टाइमिंग का स्लाइड क्या करते हैं, स्लाइड इंप्रेस में स्लाइड का टाइम सेट करने के लिए करते हैं, ठीक है। इंप्रेस में स्लाइड का टाइम सेट करना है तो रिहर्स टाइमिंग का यूज करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ओटीपी का प्रयोग वेरिफिकेशन के लिए करते हैं, ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स, तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 5 सेकेंड्स है आपके पास, कोशिश करिएगा सही आंसर बताने की। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा, 5 सेकेंड्स हो चुका है और ये ट्रू है, क्लियर है। ओटीपी क्या है भाई, मोबाइल में क्या करते हैं, वेरिफिकेशन के लिए इसका यूज होता है, क्लियर है। कई बार हमारे पास हमारे रजिस्टर्ड नंबर्स पे क्या होता है, ओटीपी आता है, किस लिए, वेरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विंडो में बाय डिफॉल्ट ब्राउजर होता है, ए ऑप्शन गूगल क्रोम, बी ऑप्शन इंटरनेट एक्सप्लोरर, सी ऑप्शन मोजिला फायरफॉक्स, डी ऑप्शन सफारी, तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 5 सेकेंड्स है आपके पास, कोशिश करिएगा सही आंसर बताने की। विंडोज में बाय डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा होता है, बाय डिफॉल्ट का मतलब ये होता है जो पहले से हो, क्लियर है। बाय डिफॉल्ट का मतलब याद रखना है, कंप्यूटर में क्या हो, जो पहले से मिले, ठीक है। तो 5 सेकेंड्स थे, चैट या कमेंट में आंसर दे सकते हैं। तो जी हाँ, राइट आंसर होगा बी, याद रखिएगा, विंडोज जब भी हम किसी कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो वहां पर बाय डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा मिलता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय डिफॉल्ट ब्राउजर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एप्पल डिवाइसेज में बाय डिफॉल्ट ब्राउजर होता है, ए ऑप्शन गूगल क्रोम, बी ऑप्शन इंटरनेट एक्सप्लोरर, सी ऑप्शन मोजिला फायरफॉक्स, डी ऑप्शन सफारी, तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 5 सेकेंड्स है आपके पास, और अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए भाई, जितना ज्यादा लाइक उतने अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। तो जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग जल्दी से वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और दूसरा काम भाई शेयर करते रहो, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करो भाई, क्लियर है, जिससे ज्यादा लोगों तक क्या हो सके, वीडियो पहुंच सके। तो इसका राइट आंसर होगा सफारी, क्लियर है। याद रखिएगा, जितनी भी एप्पल डिवाइसेस आती हैं, लैपटॉप मोबाइल्स टैबलेट, सभी में बाय डिफॉल्ट ब्राउजर जो मिलता है वो क्या होता है, सफारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, करंट स्लाइड से स्लाइड शो चलाने की शॉर्टकट की क्या होती है, ए ऑप्शन शिफ्ट प्लस F2, बी ऑप्शन शिफ्ट प्लस F5, सी ऑप्शन शिफ्ट प्लस F6, डी ऑप्शन शिफ्ट प्लस F7, तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 5 सेकेंड्स है आपके पास, जी हाँ गुड, कुछ लोगों के सही आंसर आ चुके हैं, कोशिश करिएगा सही आंसर बताने की, बढ़िया, कुछ लोगों का आ चुका है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। याद रखिएगा, करंट स्लाइड से स्लाइड शो से यदि हमें स्लाइड शो चलाना है, मतलब समझिएगा, मान लीजिए हम स्लाइड 3 पर हैं और वहीं से हमें स्लाइड शो स्टार्ट करना है, तो हम शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करेंगे तो थर्ड स्लाइड से ही स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा, शॉर्टकट की याद रखिएगा, पूछा गया है ये बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राइटर में लिखे गए कंटेंट को एक्सपोर्ट एज अ PDF कर सकते हैं, ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स, बताइएगा क्या होगा। अच्छा, एक्सपोर्ट एज अ PDF का मैं मतलब तब तक बताता हूं और आप लोग चैट में आंसर बताइए। एक्सपोर्ट एज अ PDF का मतलब ये होता है कि जो डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया है उसको आप एज अ PDF भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। PDF का अपना अलग एडवांटेज है, एक एडवांटेज बता रहा हूं, यदि हम किसी फाइल को वर्ड फॉर्मेट में भेजते हैं, ठीक है, या राइटर में, भाई राइटर के हिसाब से भेजते हैं, तो जिस व्यक्ति को भेजा है, मान लीजिए उसका मॉनिटर भाई रेजोल्यूशन कम है या ज्यादा है, या कोई और वर्जन यूज कर रहा है, क्लियर, वर्जन अलग है, मान लीजिए आपके कंप्यूटर पे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए वर्ड 7 था, ठीक है, और उसके पास वर्ड 10 है, ठीक है, तो वहां पर डिफरेंसेज आ जाते हैं, मॉडिफिकेशन चेंजेस हो जाता है, इसीलिए PDF भेजोगे तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो यहां पर राइट आंसर जो होगा वो ट्रू होगा, ए, क्लियर है। नेक्स्ट कुछ लोगों का आ भी चुका था, गुड। क्वेश्चन नंबर 11, लिनक्स में डायरेक्टरी डिलीट करने की कमांड क्या होती है, ए ऑप्शन RMDIR, बी ऑप्शन del, सी ऑप्शन रिमूव, डी ऑप्शन none of the above, तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 5 सेकेंड्स है आपके पास, कोशिश करिएगा।
सही आंसर बताने की। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा कुछ लोगों का आ चुका है गुड, RMDIR। ये लिनक्स में मेरे को डिलीट क्या करना है, डायरेक्टरी डिलीट करनी है। डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, फोल्डर। तो कमांड क्या होगा, RMDIR। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। लिब्रा ऑफिस में स्प्रेडशीट का काम करता है, ए ऑप्शन राइटर, बी ऑप्शन कैलसी, सी ऑप्शन ड्रा, डी ऑप्शन बेस डेटा। बताइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत बार आ चुका है, सिंपल क्वेश्चन है, 5 सेकेंड्स है आपके पास। तो जी हाँ, आपका टाइम अप हो चुका है और राइट आंसर होगा कैलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। लिब्रा ऑफिस में कैलसी में गोल सीक का ऑप्शन कहां मिलता है, ए ऑप्शन विंडोज में, बी ऑप्शन टूल्स में, सी ऑप्शन डेटा में, डी ऑप्शन फॉर्मेट में। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, 5 सेकेंड्स है आपके पास। चैट या कमेंट में आंसर बता सकते हैं, और प्रिपरेशन स्टेट कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट, व्हाट्सएप, ईमेल, ठीक है, पूरी पूरी हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, क्लियर है, टूल्स। याद रखिएगा गोल सीक का ऑप्शन कहां पे मिलता है, लिब्रा ऑफिस में, कैलसी में, तो टूल्स में मिलता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। लिब्रा ऑफिस किस किस प्लेटफॉर्म पर काम कर सकता है, ए ऑप्शन विंडोज, बी ऑप्शन लिनक्स, सी ऑप्शन मैक, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को मैं एक बार क्विज में करा भी चुका हूं। तो जी हां, 5 सेकेंड्स है आपके पास, कोशिश करिएगा सही आंसर देने की। जी हाँ, कुछ लोगों का आ चुका है गुड, टाइम आपका ऑफ हो चुका है, राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। लिब्रा ऑफिस मतलब सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब विंडोज में भी चल जाएगा, लिनक्स में भी चल जाएगा और मैक में भी चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। मैक कितने बिट का होता है, ए ऑप्शन 48, बी ऑप्शन 64 बिट, सी ऑप्शन 32 बिट, डी ऑप्शन 128 बिट। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, और मैक का फुल फॉर्म क्या होता है ये कमेंट करके बताइएगा। मैक का फुल फॉर्म क्या होता है ये कमेंट करके बताइएगा। 5 सेकेंड्स हैं और आपका टाइम अप होने वाला है। तो जी, आपका टाइम अप हो चुका है और राइट आंसर होगा 48 बिट, क्लियर है। मैक कितने बिट एड्रेस होता है, 48 बिट, और मैक का फुल फॉर्म ये कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। दो बातें मैक के बारे में मैं और आपको बता दे रहा हूं। मैक को फिजिकल एड्रेस के नाम से जाना जाता है और यह परमानेंट एड्रेस होता है, क्लियर है। फिजिकल एड्रेस के नाम से जाना जाता है और परमानेंट एड्रेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। कैलसी में बाय डिफॉल्ट ग्रिड लाइन प्रिंट होकर आती है, ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, 5 सेकेंड्स है आपके पास, कोशिश करिएगा सही आंसर बताने की। तो जी हाँ, कुछ लोगों का राइट आंसर आ चुका है गुड, बढ़िया, और टाइम भी आपका अप हो चुका है, ये है फॉल्स, ठीक है। कैलसी में बाय डिफॉल्ट ग्रिड लाइन प्रिंट होकर नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। राइटर में इंड नोट और फुट नोट का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है, ए ऑप्शन है एडिट, बी ऑप्शन है व्यू, सी ऑप्शन है फॉर्मेट, डी ऑप्शन है इंसर्ट। राइटर में इंड नोट और फुट नोट का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है, ए ऑप्शन है एडिट, बी ऑप्शन है व्यू, सी ऑप्शन है फॉर्मेट, डी ऑप्शन है इंसर्ट। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, 5 सेकेंड्स है आपके पास, और आपका टाइम अप हो चुका है। जी हाँ, और इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी, इंसर्ट, क्लियर है। हेडर फुटर का ऑप्शन कहां पर होता है, इंसर्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कैलसी में नेक्स्ट सीट पर जाने की शॉर्टकट की क्या होती है, ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस एस, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस टी, सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस टैब, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, 5 सेकेंड्स है आपके पास, कोशिश करिएगा सही आंसर बताने की, और आपका टाइम अप हुआ। तो राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस टैब। याद रखिएगा, एक सीट पर है, मान लीजिए सीट वन पर है और सीट टू पे जाना है, तो कंट्रोल प्लस टैब का क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। कैलसी में पिछली रो पर जाने के लिए शॉर्टकट किसका प्रयोग करेंगे, ठीक है, ए ऑप्शन शिफ्ट प्लस टैब, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस टैब, सी ऑप्शन आर प्लस टैब, डी ऑप्शन शिफ्ट प्लस एंटर। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा।
यदि हमें पिछली रो पर जाना है तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? कोशिश करिएगा सही आंसर बताने की, 5 सेकेंड्स हैं आपके पास। जी हां, कोशिश करिएगा भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शिफ्ट प्लस एंटर, क्लियर है। कैलसी में पिछली रो पर जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एंटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, किसी कंप्यूटर को ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस प्रदान करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? ए ऑप्शन टीसीपी, बी ऑप्शन एमआईएमई, सी ऑप्शन डीएससीपी, डी ऑप्शन एआरपी। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, 5 सेकेंड्स है आपके पास। कोशिश करिएगा सही आंसर बताने की, चैट या कमेंट में आंसर बता सकते हैं। तो जी हां, इसका राइट आंसर होगा डीएससीपी। आपका टाइम अप हो चुका है, क्लियर है। डीएससीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं किस लिए? आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए। और डीएससीपी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म भी याद रखना, पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, गाइडेड मीडिया का एग्जांपल है। ए ऑप्शन रेडियो वेव्स, बी ऑप्शन इंफ्रारेड वेव्स, सी ऑप्शन फाइबर ऑप्टिक्स, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, 5 सेकेंड्स है आपके पास। कमेंट या चैट में आंसर कर सकते हैं। और आपका टाइम हुआ अप, राइट आंसर होगा फाइबर ऑप्टिक्स सी। गाइडेड का मीडिया, गाइडेड मीडिया का मतलब वायर, और अनगाइडेड का मीडिया का मतलब वायरलेस, क्लियर है। गाइडेड मतलब वायर, अनगाइडेड मतलब वायरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट को एडिट नहीं कर सकते। ए ऑप्शन ट्रू, बी ऑप्शन फॉल्स। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट को एडिट नहीं कर सकते। ए ऑप्शन ट्रू, बी ऑप्शन फॉल्स। तो जी हां, क्या होगा, ये फॉल्स होगा। यहां पर क्या बोला है, एडिट नहीं कर सकते, जबकि कर सकते हैं, इसलिए क्या है फॉल्स। टेम्पलेट का मतलब है बना बनाया आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, ठीक है, आप वहां उसका यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल इम्प्रेस ओपन करते हो तो टेम्पलेट ओपन होके आ जाती है, तो वहां पर हम लोग ऐसा नहीं कि उसको चेंज नहीं कर सकते, फॉर्मेट मिल जाएगा। यदि हमें पसंद नहीं आ रहा या कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो मतलब कर सकते हैं, मतलब टेम्पलेट में बदलाव संभव है। इन्होंने कहा नहीं है, इसलिए क्या है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जब एक ही लेटर और मतलब या इनवेलप एक से ज्यादा लोगों के लिए प्रिपेयर करना है तो किसका प्रयोग करेंगे? ए ऑप्शन माइक्रोस, बी ऑप्शन मेल मर्ज, सी ऑप्शन हाइफनेशन, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। जी हां, इसका जो राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, मेल मर्ज, क्लियर है। एक से ज्यादा लोगों को हमें कोई लेटर करना है, भेजना है, या एनवेलप, ठीक है, या लेबल, तो हम वहां पर क्या करते हैं, मेल मर्ज क्रिएट कर लेते हैं। फायदा ये होता है कि हमें जो कॉमन फील्ड्स होती हैं वो एक ही बार लिखनी पड़ती है, ठीक है, जिससे हमारा टाइम क्या हो जाता है, बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, राइटर में वाटरमार्क का ऑप्शन कहां मिलता है? ए ऑप्शन फॉर्मेट, बी ऑप्शन इंसर्ट, सी ऑप्शन व्यू, डी ऑप्शन एडिट। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, 5 सेकेंड्स आपके पास। और आपका टाइम हुआ अप, याद रखना, राइटर में वाटरमार्क का कहां पे मिलता है, फॉर्मेट में। राइटर में वाटरमार्क का ऑप्शन कहां मिलता है, फॉर्मेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इवन और ऑड पेज पर अलग अलग हेडर फुटर प्रयोग कर सकते हैं? ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। बताइएगा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इवन मतलब सम, ऑड मतलब विषम, कह रहा है अलग अलग यूज करना है हेडर एंड फुटर, क्लियर है। तो 5 सेकेंड्स है और टाइम आपका क्या होने वाला है, अप होने वाला है, अप हो चुका है। राइट आंसर होगा ट्रू, बिल्कुल याद रखना, हम अलग 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 पेजेस पर अलग अलग हेडर फुटर सेट कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। हम सम और विषम पेजेस पर अलग अलग हेडर फुटर सेट कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। और हम चाह रहे हैं कि पहले पन्ने पर कुछ अलग हेडर फुटर हो या ना हो और रिमेनिंग पेजेस पर एक ही जैसा हो, तो वो भी कर सकते हैं, क्लियर है। तो ध्यान रखना, सब पेजेस पे अलग अलग भी हो सकता है, इवन ऑड पर अलग अलग हो सकता है, फर्स्ट पेज पर अलग हो सकता है, क्लियर है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26,
फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट नहीं कर सकते, ऑप्शन ट्रू बी ऑप्शन फॉल्स, बताइएगा जल्दी से राइट आंसर क्या होगा, 5 सेकंड्स हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। और आपका टाइम हो चुका है अब, क्या हो जाएगा ट्रू, बिल्कुल ये क्या कह रहे हैं नहीं कर सकते हैं, इसलिए ट्रू नहीं होगा भाई, क्या होगा फॉल्स कर सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, लिब्रे ऑफिस में राइटर में किसी शब्द के नीचे जिग जैक रेड लाइन आने का अर्थ है, ए ऑप्शन है वर्ड गलत टाइप किया गया है, बी ऑप्शन है वर्ड डिक्शनरी में नहीं है, सी ऑप्शन है ए या बी, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, 5 सेकंड्स है आपके पास, जी हाँ कोशिश करिएगा सही आंसर बताने की, बिल्कुल, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, लिब्रा ऑफिस में राइटर में जिग जैग ग्रीन लाइन आने का अर्थ है, ए ऑप्शन ग्रामर एरर, बी ऑप्शन सेंटेक्स एरर, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, 5 सेकंड्स है आपके पास और आपका टाइम हो चुका है अब, और यहां पे भी ऑप्शन क्या होगा बोथ ए एंड बी, ग्रीन लाइन कब आएगी ग्रामर या सेंटेक्स एरर होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया, ए ऑप्शन चार्ल्स बेबेज, बी ऑप्शन जॉन एलन, सी ऑप्शन रॉबर्ट ई खान एंड विंडसर्फ, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, 5 सेकंड्स है आपके पास, जल्दी करिएगा आंसर, जी हां कोशिश करिए सही आंसर बताने की, कुछ लोगों का आ चुका है, गुड गुड बढ़िया है, और आपका टाइम अप हो चुका है, राइट आंसर होगा रॉबर्ट ई खान और वेंट सर्फ, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इंटरनेट पैकेट स्विचिंग पर काम करता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, 5 सेकंड्स है आपके पास, कोशिश करिएगा सही आंसर बताने की, जी हां कुछ लोगों का आ चुका है, गुड, और इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ट्रू, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इंस्टाग्राम किससे रिलेटेड है, ए ऑप्शन यूट्यूब, बी ऑप्शन लिंक्डइन, सी ऑप्शन फेसबुक, डी ऑप्शन ट्विटर, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, 5 सेकंड्स हैं आपके पास, कोशिश करिएगा सही आंसर बताने की, और आपका टाइम हो चुका है अब, और राइट आंसर होगा सी फेसबुक, क्लियर है। इंस्टाग्राम किससे रिलेटेड है, ए ऑप्शन है फेसबुक, क्लियर है, सॉरी सी ऑप्शन, ठीक ठीक है सी ऑप्शन यहां पे सही, ए नहीं ए पे तो यूट्यूब है, क्लियर है। इंस्टाग्राम किससे रिलेटेड है, फेसबुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ईमेल में ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, ए ऑप्शन है बी ऑप्शन है एम्बेडेड, सी ऑप्शन है इनेबल, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन पूछा बहुत बार गया है, इजी तो है लेकिन पूछा क्या गया है बहुत बार है, आपके एग्जाम में आ चुका है, 5 सेकंड्स है आपके पास और आपका टाइम हुआ अप, और राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक, ए ऑप्शन, क्लियर है, ईमेल में ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, मैग्नेटिक टेप स्टोरेज का उदाहरण है, ए ऑप्शन ट्रू बी ऑप्शन फॉल्स, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, 5 सेकंड्स है, तो जी हां कुछ लोगों का राइट आंसर आ चुका है, गुड बढ़िया, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ट्रू, मैग्नेटिक टेप स्टोरेज का उदाहरण है, जो क्या है सत्य है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ था, ए ऑप्शन है ट्रू बी ऑप्शन है फॉल्स, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुआ था तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, 5 सेकंड्स हैं और आपका टाइम हो चुका है अप, और राइट आंसर होगा ट्रू, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, क्रिप्टो करेंसी कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है, या मैं कौन सी, ठीक है, ए ऑप्शन एआई, बी ऑप्शन आईओटी, बी ऑप्शन सी ऑप्शन ब्लॉकचेन, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, तो बताइएगा याद करके कौन सा सही आंसर होगा, 5 सेकंड्स है आपके पास, क्रिप्टो करेंसी में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, जी हां कुछ लोगों का राइट आंसर आ चुका है, टाइम भी आपका अप हो चुका है, ब्लॉकचेन, याद रखना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, यूज होती है क्रिप्टो करेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36,
इम्प्रेस में स्लाइड शो के समय लेफ्ट क्लिक करने पर नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंच जाते हैं। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 5 सेकेंड्स हैं और आपका समय समाप्त। राइट आंसर होगा ट्रू, बिल्कुल। ध्यान रखिएगा, इम्प्रेस में स्लाइड शो के समय हम क्लिक करते जाएंगे, जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार नेक्स्ट स्लाइड पर आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। सीरियल पोर्ट से एक समय में एक बिट डाटा ट्रांसफर होता है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स, कोशिश करिएगा सही आंसर बताने की। जी हां, तो इसका जो राइट आंसर होगा ट्रू, बिल्कुल। सीरियल पोर्ट से वन बिट डेटा क्या होता है, ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। गूगल ड्राइव पर स्टोर कर सकते हैं इमेज, बी ऑप्शन वीडियो, सी ऑप्शन डॉक्यूमेंट, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। गूगल ड्राइव पर क्या स्टोर कर सकते हैं, 5 सेकेंड्स हैं। जी हां, कुछ लोगों का राइट आंसर आ भी चुका है और आपका टाइम भी अप हो चुका है। यहां पे नॉन गड़बड़ है, ऑल ऑफ द अबव होगा। क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा, ये मिस्टेक से लिख गया है। याद रखिएगा, गूगल ड्राइव पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इमेज भी स्टोर कर सकते हैं, वीडियो भी स्टोर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी स्टोर कर सकते हैं, तो यहां क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, वो बाय मिस्टेक नॉन लिख गया है। चलिए नेक्स्ट 39। गूगल ड्राइव पर फोल्डर नहीं बना सकते, ये ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स, 5 सेकेंड्स है, कोशिश करिएगा सही आंसर बताने की। और आपका समय समाप्त हुआ और ये है फॉल्स। ध्यान रखिएगा, गूगल ड्राइव पर भी हम फोल्डर बना सकते हैं, इन्होंने क्या नहीं बना सकते, इसलिए क्या है फॉल्स। ये है लास्ट क्वेश्चन आज का। गूगल ड्राइव 15 GB का स्टोरेज मिलता है, ये ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स, बताइएगा, 5 सेकेंड्स हैं और टाइम आपका हो चुका है अब। जी हाँ बिल्कुल, ध्यान रखिएगा, गूगल ड्राइव पर 15 GB की ही स्टोरेज मिलती है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, क्लियर है। कल मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को, बिल्कुल शेयर करिए भाई, और लाइक भी करिए। लाइक करेंगे तो मैं उतना मेहनत करूंगा और उतने अच्छे क्वेश्चंस दूंगा, और शेयर भी करो जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, वीडियो लोगों तक पहुंच सके। फेसबुक पे शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, शेयर करिए। तो मिलेंगे कल रात 9 बजे नए ऑनलाइन टेस्ट में नए क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय।